नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना ने पूरी दुनिया पर एक अलग ही प्रभाव डाला है। जिन लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई है या जिन लोगों के किसी परिजन की जान कोरोना के कारण गई है, उनकी जिंदगी दोबारा से पटरी पर नहीं आ पाएगी। ऐसा ही कुछ हाल शिक्षा व्यवस्था का भी है। आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ इस बीमारी ने छात्रों के जीवन से पढ़ाई को ही अलग कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण अब छात्र में अव्वल आने और शिखर पर पहुंचने की लालसा को भी कहीं पीछे धकेल दिया है। जिन परीक्षाओं के लिए हमने और आपने महीनों और सालों मेहनत की हो, आज उन परीक्षाओं का कोई मोल नहीं है। आज के समय में छात्रों को बगैर पढ़े ही औने पौने नंबर से संतुष्ट होना पड़ रहा है। 10वीं 12वीं परीक्षा के बाद अब डीएलएड के प्रवेश परीक्षाओं का भी यही हाल है, जिस पर अब कोरोना का ग्रहण लग गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी राजकीय और अराजकीय मान्यता ट्रेनिंग कॉलेज में मौजूदा सत्र में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन किया जाएगा। यानी कि अब मार्क्स के 2021-23 में भी अंकों के आधार पर नामांकन किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई हालत और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अब तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। इसमें वैसे ही देरी हो गई है, इसीलिए कोर्स को शुरू करने में और देरी करना उचित नहीं है। शोध और प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा की माने तो साल 2021-23 सत्र के लिए अगस्त में नामांकन कैलेंडर निकालने का काम किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वहीं प्रक्रिया से जुड़ी और जानकारी को अगर हम देखें तो आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर संबंधित कॉलेज के द्वारा विद्यार्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस सूची के आधार पर नामांकन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य के NCTE से मान्यता प्राप्त और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित करने वाले राजकीय और अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संस्थानों में नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि यह लगातार तीसरा साल है जब डीएलएड की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। विभाग की तमाम कोशिशें बेकार रही। हालांकि पिछले 3 साल से छात्रों ने डीएलएड परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा है और अब तक पिछले साल की ही फॉर्म की राशि छात्रों के अकाउंट में नहीं भेजी गई थी। हालांकि इस बाबत शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि पिछले वर्ष डीएलएड अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा के नाम पर ली गई राशि जल्द ही लौटाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डीएलएड करने वाले छात्रों के मन में संतोष है कि इस बार भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है और छात्रों का नामांकन सीधे हो रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।